गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2। बेटा सभी को याद होगा, यस्टरडे वी हैव कवर्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 12। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 12 के आगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। फोकस करेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ध्यान दे सभी, हमसे बोला गया है थ्री डिजिट नंबर, तो आप सभी को पता होगा थ्री डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड दे गो अप टू व्हाट 999। तो हमें ये बताना है इसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो किसी से डिवाइड होते हैं 7 से, डिविजिबल बाय 7। तो सभी ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, 14 7 सा क्या होता है 98, 15 7 सा क्या होता है 105। इसका मतलब तीन डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा 105, 105 के बाद 112, 112 के बाद 119। हमने क्या किया, सभी में 7 जोड़ दिया, लेकिन जो लास्ट नंबर है ये बहुत बड़ा है, हम कैसे चेक करें, तो हम क्या करते हैं डिवीजन। सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी पे 999 को 7 से डिवाइड करेंगे और मुझे बताओ व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है। सभी बच्चे 999 को 7 से डिवाइड करेंगे और मुझे बताएं व्हाट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग, लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या आया। वेरी गुड, चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो टीचर को, क्लास में आके बैठ जाते हैं गुड मॉर्निंग कोई बोलता नहीं है, आपका फर्ज बनता है गुड मॉर्निंग बोलना। यस, गुड मॉर्निंग बोल के काम स्टार्ट किया करो। वेरी गुड, बताओ सभी व्हाट इज द रिमाइंडर, 999 को अगर 7 से डिवाइड करूं व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा। वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बताएं सभी रिमाइंडर कितना आया 5। वेरी गुड, बच्चों का रिमाइंडर आ रहा है 5। तो हम क्या करें, अगर इस नंबर में से हम क्या करें 5 को माइनस, तो जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा 7 से डिविजिबल। इट मींस जो हमारी एपी बनेगी वो बनेगी 105, 112, 119 एंड द लास्ट नंबर इज 994। क्या सभी को ये सारा मेथड क्लियर है। हमने एपी कैसे बनाई, हमने पहले चेक किया सबसे छोटा नंबर, उसके बाद क्या किया 7 को प्लस किया, लास्ट वाला नंबर कैसे निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर को क्या किया माइनस किया। क्लियर है, अब क्या करेंगे फोकस, हमें निकालना है कितने नंबर, कितने का मतलब क्या है n, हमें निकालना है n, कैसे निकालेंगे। अब फर्स्ट नंबर 105, डी कितना है माइनस करने पे 7, लास्ट नंबर क्या है 994। सभी बच्चे अप्लाई द फॉर्मूला, सभी बच्चे अपनी कॉपी में अप्लाई करो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 999। ये किसका है प्लस, उछड़ जाके माइनस, 994 माइनस कर दिया 105। कोई बताएगा माइनस करने में कितना आएगा, बोलो 994 माइनस 105 माइनस करने पे कितना मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, माइनस करते रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। वेरी गुड, एक बच्चे का रिप्लाई आया 889। क्लियर है, 7 का है मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में ले जाओ 889 बाय 7। सभी बच्चे 7 से डिवाइड करेंगे, बताएं व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, 7 से डिवाइड करने पे व्हाट यू आर गेटिंग, 889 डिवाइडेड बाय 7। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे डिवाइड करें। वेरी गुड, यस मेरे स्टूडेंट आर रिप्लाइंग 127। सभी चेक करें क्या ठीक आया, ये किसका है माइनस का 1, वहां जाके प्लस का 1, 127 प्लस 1 128। इसका मतलब जो हमारे नंबर आएंगे कितने आएंगे
128। क्या सभी को क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर? पहले हमको एपी बनाना है, एपी बनाने के बाद एन निकालना है। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 14। सभी बच्चे क्वेश्चन 14 पढ़ेंगे। वेरी गुड। क्या दिया? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो कितने आएंगे? 10 और 250 के बीच में, बिटवीन 10 एंड 250। कोई बच्चा बताएगा 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है? क्या कोई बच्चा बताएगा 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है? वेरी गुड। आप सभी का आंसर आएगा यस सर, आई नो वेरी वेल। वेरी गुड। हमें क्या करना है 10 से लेके 250 के बीच में। तो सबसे पहला नंबर क्या आया? 12। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। अब हमें चाहिए लास्ट नंबर। कैसे निकालेंगे? जैसे हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 13, क्या करो 250 को डिवाइड करो 4 से, बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है, बोलो। अगर मैं 250 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताओ सभी। वेरी गुड। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? वेरी गुड वेरी गुड। 250 को डिवाइड करो 4 से। वेरी गुड। आई होप सभी का रिमाइंडर आ रहा होगा 2। रिमाइंडर आएगा 2। तो हम क्या करेंगे 250 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ गया 248। दिस इज द लास्ट नंबर जो हमें चाहिए। क्या सभी को एपी क्लियर? एपी हमने कैसे बनाई? क्या सभी बच्चों को क्लियर? हमने एपी कैसे बनाई? क्या सभी को क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? हाउ मैनी, कितने, मतलब हमको क्या चाहिए एन। कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू तो 12, डी की वैल्यू 4, ए एन की वैल्यू 248। सभी बच्चे अपनी अपनी रफ कॉपी में अप्लाई द फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। क्लियर है? उसके बाद कोई बच्चा बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा, अपना क्वेश्चन खुद करें। इट इज वेरी इजी। हां जी, माइनस करने पे आई होप यू आर गेटिंग 2, 3, 6। आ रहे सभी का? बताए सभी। प्लस का 12, वहां जाके माइनस का 12, माइनस करने के बाद 236। अब क्या करेंगे? 4 है मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा डिवाइड में। 236 को डिवाइड करेंगे 4 से। बताए सभी व्हाट नंबर यू आर गेटिंग? डिवाइड करने पे कितना मिल रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? यस, सभी का रिप्लाई आ रहा है। डिवाइड करने के बाद मिलेगा 59। यस, ये किसका है? माइनस 1, वहां जाके प्लस 1, एन की वैल्यू 60। बताओ सभी, सभी का आंसर आ रहा है? क्या सभी बच्चों का आंसर आया एन की वैल्यू 60? यस स्टूडेंट्स, सभी बच्चे बताएं बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे एग्जांपल क्या है। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हमें चेक करना है कि ऐसे कितने दो डिजिट के नंबर हैं जो किसे डिवाइड होते हैं? 3 से। सोचो एपी क्या बन सकती है, थोड़ा सा ट्राई करो। ऐसे दो डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए दो डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं। कोई बच्चा बताएगा चैट बॉक्स में, दो डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं? आपके दिमाग में इतना आ गया होगा कि सर आई नो वेरी वेल, 10 से तो शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। वेरी गुड। तो
अब ये सोचो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, सोचो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है। यू नो वेरी वेल 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, क्लियर है। लास्ट नंबर क्या होगा 99, आप सभी को पता है 99 क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। बताओ सभी, क्या सभी को एपी क्लियर, क्या सभी बच्चों को एपी क्लियर? एपी अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि 99 कैसे आया तो कुछ नहीं, आप क्या करो 99 को डिवाइड कर दो 3 से। आप चेक करोगे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 0, इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है 3 से डिवाइड। क्लियर है, दिस इज व्हाट ए, डी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, हमारा ए कितना है 99। कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व आप करोगे। ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 99। वेरी गुड, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। वेरी गुड, इट इज वेरी इजी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, फोकस ऑन प्रैक्टिस। वेरी गुड वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ट्राई करने से आएगा, कोशिश करो बेटा। वेरी गुड, कोशिश करो बेटा। वेरी गुड, क्या सभी का आंसर 30 आया? बताओ बच्चों का आंसर आ रहा है 30, क्या सभी का सेम आ रहा है? वाई फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, बोलो एन की वैल्यू 30 आ रहा है सभी का? वेरी गुड, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है सुनो ध्यान से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमें क्या करना है एन की किस वैल्यू के लिए, क्या इस एपी की एनथ टर्म और इस एपी की एनथ टर्म क्या हो जाएंगी इक्वल। तो हम क्या चाहते हैं, पहले वाली एपी की क्या निकाल लें ए एन, दूसरे वाले एपी की क्या निकाल लें ए एन, दोनों को क्या कर दें इक्वल। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर? हां जी, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर? क्वेश्चन चाहता है कि इस एपी के लिए किस वैल्यू ऑफ एन के लिए क्या हो जाएगी एनथ टर्म इक्वल। तो हम क्या करेंगे, दोनों की निकालेंगे एन। ध्यान दो 63, 65, 67, एपी 3, 10, 17। क्या करेंगे, ए की वैल्यू 63, एम तो निकालना है, डी की वैल्यू माइनस करने पे 2। क्लियर है, ए की वैल्यू 3, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू माइनस करने पे 7। क्या सभी को इक्वेशन क्लियर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दो बार, एक बार फर्स्ट के लिए एक बार सेकंड के लिए। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व करो, देखते हैं किसका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है, प्लस माइनस करना है। वेरी गुड, कोशिश करेंगे बेटा, कोशिश अपनी कॉपी में लिखो इक्वेशन को और ट्राई करो करने का, इट इज वेरी इजी। कोई बच्चा बोर्ड पे नहीं देखेगा, सभी बच्चे अपना अपना ट्राई करेंगे, इट इज वेरी इजी। छोटी क्लास के बच्चों को भी आता है। लास्ट में क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ। वेरी गुड, आई होप सभी का आंसर आ रहा होगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी 13, आंसर आएगा 13। सभी चेक करें एक बार, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है, लास्ट में आपका आंसर आएगा 13। इसका मतलब क्या है, जो हमने 13 निकाला इसका मतलब क्या है, इस एपी की जो 30th टर्म होगी और इस एपी की जो 30th टर्म होगी
दोनों क्या होगी सेम। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर? वेरी गुड। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 16। सभी पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर दोगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमको एपी बतानी है। हम एपी का बता पाएंगे जब हमारे पास एक तो क्या हो ए और एक क्या हो डी, मतलब कहीं से निकालना पड़ेगा ए और डी। तो उसको निकालने के लिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है। चेक करो पहली कंडीशन क्या है, बोल रहा है थर्ड टर्म इज 16। हम कहेंगे वी नो वेरी वेल थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d। बताया था जो टर्म दिया उससे एक कम कौन होता है डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म क्या है बड़ी, किससे पांचवी टर्म से, कितना बड़ी है दो बड़ी है। तो हम क्या करें, सातवीं टर्म में से पांचवी टर्म को क्या करते हैं माइनस। क्लियर है? सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस, कितना बचना चाहिए दो। क्या सभी बच्चों को दोनों इक्वेशन क्लियर, दोनों इक्वेशन? हम क्या करें, बड़े वाले टर्म में से पांचवें टर्म को क्या कर दें माइनस कर दें। माइनस करने के बाद कितना बचेगा, दो बचेगा। वेरी गुड। ध्यान दो क्या करेंगे, आप सभी को पता है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 6d, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 4d, बीच में क्या है माइनस इक्वल्स टू 2। आप सभी ने सीखा था छोटी क्लासेस में क्या, ब्रैकेट के बाद माइनस, साइन विल चेंज। क्लियर है? a से तो एक कट, 6 में से 4 गया 2d, तो हमारा d कितना आ गया, हाउ मच वी आर गेटिंग 1। क्या सभी को डी क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को डी क्लियर? डी सभी बच्चे ध्यान दें, कोई बच्चा बोलता ही नहीं है अरे बेटा जो एक्सीड था ना वो 12 था ना कि 2, एक्सीड बाय 12। तो कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी सी, यहां 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा, कितना आएगा, हाउ मच 2 1 2 6, सो द डी इज व्हाट 6। क्लियर है? डी को पुट करते हैं ऊपर, ध्यान दो a प्लस 2, डी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 16। a प्लस 6 टू द 12 इक्वल्स टू हाउ मच 16। a की वैल्यू 16 माइनस 12 आई गेट 4। क्लियर है? पहले टर्म 4, डिफरेंस कितना है 6, एपी क्या बनेगी 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, दैट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। बताएं सभी, क्या सभी को क्लियर? फाइनल एपी विल बी 4 10 16 22। यस स्टूडेंट्स, क्या सभी को क्लियर? सभी को वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। रीड क्वेश्चन नंबर 17। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसेप्ट अलग है। बोलते हैं इस एपी की ये टर्म निकालो, लेकिन कहां से, पीछे से, फ्रॉम द लास्ट। तो आपको क्या करना है, जो आपको एपी दी गई है उसको क्या कर दो उल्टा। ध्यान दो 253, 248, 243, लास्ट में 13, 8 और 3। क्या सही हो, ये चीज याद हो गई? जब आपसे बोला जाए फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द बैक, तो आपको क्या करना है, अपनी एपी को उल्टा। क्लियर है? ना फोकस, आपकी पहली टर्म कितनी है 253, आपका डी कितना है माइनस करने पे
माइनस का 5, टर्म कौन से निकालनी है 20, क्लियर है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, ए 20 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, क्लियर है। सोल्व करेंगे 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 253 माइनस का 95, माइनस करने के बाद 158। चेक करें सभी, क्या सभी का आ रहा है, सभी में से चेक करें, आर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। आंसर इज 158। जो कंसेप्ट याद रखना है वो क्या करना है, एपी का उल्टा, क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान देंगे इसी कंसेप्ट पे। आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, क्या बोला गया है आपको, एपी दे दी गई है 10 7 4, लास्ट में दिया गया है माइनस का 62। आपसे बोला गया है आपको बताना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, आपको बतानी है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ट्राई करो, जो हमने अभी पढ़ाया उसी कंसेप्ट पे है, 11वीं टर्म लास्ट से। क्या को बेचा बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इस एग्जांपल के अंदर ए की वैल्यू क्या लोगे। वेरी गुड वेरी गुड, व्हाट वैल्यू विल यू टेक ऑफ ए, अपनी एपी को उल्टा करो। वेरी गुड, यू विल टेक माइनस का 62। वेरी गुड, आपको क्या करना है ये सोचना है इससे पहले क्या रहा होगा, ध्यान दो डिफरेंस इसका है 3 का, तो यहां रहा होगा माइनस का 59, उससे पहले क्या होगा माइनस का 56। आपको ये सोचना है एपी को पलटी मारनी है, माइनस का 62, माइनस का 59, माइनस का 56, लास्ट में 4 7 और 10, क्लियर है। आपकी पहली टर्म माइनस का 62, डी की वैल्यू माइनस करोगे यू गेट 3, आपका एन की वैल्यू 11। सोल्व करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस का 62 प्लस 10 3 30, आवर फाइनल आंसर बी माइनस का 32। बताएं सभी, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर, क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट। सो द फाइनल आंसर इज माइनस का 32। आर यू गेटिंग द सेम, वेरी गुड वेरी गुड, आर यू गेटिंग द सेम, इट इज वेरी इजी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। वेरी गुड, नाउ एवरीबॉडी फोकस, सभी अपने बुक में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मुझे दिमाग में हिंदी याद है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई पर्सन गिवन है, उस पर्सन की सैलरी कितनी है स्टार्टिंग में 5000, उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है कितने का 200 रुपए का, तो हमको ये बताना है किस साल के अंदर उस इंसान की सैलरी कितनी होगी 7000। क्या सभी को क्वेश्चन का मतलब क्लियर, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन का मतलब क्लियर, कि मान लो एक बच्चे का मैसेज आया अभी क्रिश का, मान लो बंदा कौन है क्रिश, क्रिश की सैलरी स्टार्टिंग में कितनी है 5000, हर साल उसकी सैलरी बढ़ी है 200 रुपए, तो हमको ये बताना है किस साल के अंदर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000। क्या सभी को ये क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ए, दिस इज द डिफरेंस डी, एंड दिस इज व्हाट ए एन, हमसे क्या पूछ रहा है कौन सा साल, कौन सा मतलब एन। क्या सभी को चारों वैल्यू क्लियर,
क्या सभी बच्चों को चारों वैल्यू क्लियर है? चारों वैल्यू, यस स्टूडेंट्स, वाई फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में करेंगे, कोई बच्चा बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा। आपको जो फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और वैल्यू डाल के बेटा सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन खुद करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा। हम संडे को करेंगे एलिमेंट्स, वी विल डू मैनी क्वेश्चंस, आई विल टेक 2-3 क्लास ऑन संडे। तो कोई भी बच्चा संडे को अपनी क्लास मिस ना करे, ठीक है? वी विल स्टडी 2-3 क्लास ऑन संडे, ओके? सो डोंट मिस द क्लास। आई होप सभी का आंसर आ रहा होगा। You are getting the final answer as 11. क्या सभी का आंसर 11 आया? क्या सभी बच्चों का आंसर 11 आया? 11 बेटा, मैं बोल रहा हूं कि मैंने वाईफाई से जोड़ रखा है, कभी कभी कनेक्शन वीक होता है, थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है बेटा? हमें थोड़ा सा मैनेज करना होता है, कभी आप मैनेज करते हो, कभी मैं करता हूं, कोई बात नहीं। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, डोंट वरी, आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन क्लास में बने रहो, डोंट लीव द क्लास। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन और है, कोई भी बच्चा आज के बाद 3 बजे वाली क्लास मिस नहीं करेगा। क्यों? आज से स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। कोई भी बच्चा इवनिंग की क्लास को मिस नहीं करेगा, इवनिंग में स्टार्ट करवा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, वी विल स्टडी प्रोबेबिलिटी। क्या सभी को ये बात क्लियर है? कोई भी बच्चा 3 बजे वाली क्लास को मिस नहीं करेगा, वी विल स्टडी प्रोबेबिलिटी इन द इवनिंग, क्लियर है? जिसने मिस करी उसी के घर पे फोन कर दूंगा, पहले बता दूं। सभी बच्चे मॉर्निंग में भी आएंगे और सभी बच्चे इवनिंग में भी आएंगे, क्लियर है? इवनिंग में आना मस्त है, इवनिंग में आना जरूरी है। जिसने छुट्टी मारी उसी के घर पे फोन। ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा, 5 सुबह 5 शाम को, होमवर्क तुम्हारा 10 मिनट का, लेकिन क्लास लेनी है। लिखो सभी चैट बॉक्स में, हम क्लास लेंगे सर। लिखो सभी, लिखो चैट बॉक्स में, हम क्लास लेंगे सर। लिखो, आई विल टेक द क्लास सर। लिखो चैट बॉक्स में, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लिखेंगे क्लास, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने छुट्टी मारी उसके घर पे फोन, पहले बता रहा हूं, कोई गलती से छुट्टी मत मार देना शाम को। 3 बजे क्लास लेनी है तो लेनी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगे मस्त तरीके से। बेटा क्लास होती है 40 मिनट्स की, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड, हमारी बुक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, कोई बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है। उस बच्चे ने पैसे जमा करे पहले हफ्ते में 5 रुपए, उसके बाद वो क्या करता है, हर एक हफ्ते अपने पैसे को क्या करता है, बढ़ाता है। कितने बढ़ाता है? 1.75। तो आपको ये बताना है कौन से हफ्ते के अंदर वो इतने पैसे बचा लेगा, ये हमें बताना है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट डी, एंड दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ ए एन। क्या सभी को तीनों वैल्यू क्लियर? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को तीनों वैल्यू क्लियर? क्या कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ सभी बच्चे निकालेंगे वैल्यू ऑफ एन, सभी ट्राई करेंगे बेटा। वेरी गुड, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5, 20 में से 5 गया, यू गेट 15, 15.75। क्लियर है? एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई, हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100, क्या हो गया, कट।
ये कटेगा 1 और ये कटेगा 9 जा, क्लियर है? माइनस 1 वहां जाके प्लस 1, 9 प्लस 1 आई गॉट 10। क्या सभी को यहां तक क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्या किसी बच्चे का आंसर 10 आया? यस स्टूडेंट्स, क्या किसी बच्चे का आंसर 10 आया? वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, स्पीक अप। तो सभी को याद होगा कल हमने 5.2 के कितने क्वेश्चन किए थे, 1 से 5, किसके अंदर? फेयर कॉपी में। आज का होमवर्क है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? होमवर्क की वीडियो, होमवर्क की पीडीएफ, लाइक यूजुअल टाइमिंग यू विल गेट अप टू 12 PM, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? बाय फॉर यस एंड फॉर नो, बोलो। क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? 5.2 के 10 क्वेश्चन पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगी 12 बजे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, मिलते हैं शाम को 3 बजे। सभी अपनी अटेंडेंस भेज देना, ऑल स्टूडेंट्स सेंड योर अटेंडेंस एंड रफ नोटबुक पिक्स, ओके? बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा। अपनी अटेंडेंस और अपने रफ नोटबुक की फोटो या पीडीएफ सेंड करेंगे फास्ट, वेरी गुड। क्लास के खत्म होते ही रफ नोटबुक की फोटो और रफ नोटबुक की पीडीएफ सेंड करेंगे फास्ट, बाय बेटा, बाय। सभी बच्चे आएंगे शाम को 3 बजे, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, ओके बेटा, ओके बेटा, बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।